बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सो टुडे वी आर कंटिन्यूइंग आवर टॉपिक कंपोनेंट्स ऑफ एनर्जी एक्सपेंडिचर। लास्ट टॉपिक में हमने रिवाइज किया था बेसल मेटाबॉलिज्म क्या होता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या होता है, और हमने देखा था कि कौन से वो फैक्टर्स हैं जो बेसल मेटाबॉलिक रेट को इफेक्ट करते हैं। तो इस टॉपिक में, इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे, बाकी कंपोनेंट्स ऑफ एनर्जी एक्सपेंडिचर को देखेंगे। तीन कंपोनेंट्स थे हमारी एनर्जी एक्सपेंडिचर के, बेसल मेटाबॉलिक रेट, थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड एंड एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। ये तीनों कंपोनेंट्स एक इंडिविजुअल के टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर बना रहे थे कि जितनी भी एनर्जी एक इंडिविजुअल एक्सपेंड करता है एक दिन में, वो उसका उसके जो हैं थ्री बेसिक कंपोनेंट्स थे, ठीक है। तो उन तीनों बेसिक कंपोनेंट्स को मिला के एक इंडिविजुअल जितनी भी एनर्जी एक्सपेंडिचर एक्सपेंड करता है ये वो थे। तो बेसल मेटाबॉलिक रेट हमने देख लिया था कि आपकी जो बेसिकली जो आपकी नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी थी एनर्जी, वो थी जैसे हार्ट बीट, आपकी ब्रीदिंग, ठीक है, आपकी लिवर फंक्शनिंग, आपकी डाइजेशन, ये सब आ जाता है, आपकी स्लीप, आपकी ब्रेन एक्टिविटी। तो अब हम देख लेते हैं थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड और एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस को। थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड इज डिनोटेड बाय TEF। इट इज़ द इंक्रीज इन एनर्जी एक्सपेंडिचर एसोसिएटेड विद द कंजम्पशन ऑफ फूड। तो आपकी थर्मिक मीनिंग हीट, ठीक है, फूड का हीट इफेक्ट, ठीक है, ये आपकी वो एनर्जी है जब आप फूड कंज्यूम करते हैं। तो फूड कंजम्पशन के बाद आपकी थर्मिक इफेक्ट, आपकी जो हीट एसोसिएटेड एनर्जी होती है, वो आपकी जो है उसको थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड कहते हैं। इसको आप इस तरीके से देख सकते हैं, जैसे जब भी खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद आपको अचानक गर्मी लगती है। अगर आप गर्मियों में होते हैं तो आप पंखा तेज़ कर लेते हैं या एसी तेज़ कर लेते हैं। अगर सर्दियों में होते हैं तो आप एक स्वेटर उतार लेते हैं। आपको हल्की सी हमेशा खाना खाने के बाद गर्मी महसूस होती है। तो वो जो गर्मी होती है वो इसी तरीके से, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कार चला रहे हैं या आप कोई भी बैटरी ऑपरेटेड चीज़ चला रहे हैं, तो वो थोड़ी देर बाद गर्म हो जाती है। वो क्यों गर्म होती है? क्योंकि वो चल रही होती है, वो वर्क कर रही होती है, तो वर्क करने की वजह से वो गर्म हो जाती है, हीट निकलती है। इसी तरीके से हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम भी खाना जब डाइजेस्ट कर रहा होता है और अब्जॉर्ब कर रहा होता है, तो वो इतनी ज़्यादा एक्टिविटी हो रही होती है, इतने एंजाइम्स आपके एक्टिवेट हुए होते हैं, आपकी ऑर्गन्स एक्टिवेट हुई होती हैं, तो उस सब में और उसकी जो डाइजेशन का जो प्रोसेस है उस सब में आपकी हीट निकलती है, और वो एनर्जी वो जो एनर्जी है वो आपकी हीट के फॉर्म में निकलती है, ठीक है। एनर्जी के भी तरीके हैं ना, बहुत सारी डिफरेंट एनर्जीज होती है, मैकेनिकल एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, ठीक है, इसी तरीके से हीट एनर्जी भी होती है। तो आपकी जो एनर्जी है वो आपकी जितनी भी केमिकल एनर्जी है वो आपकी हीट की फॉर्म में एक्सपैंड हो रही होती है, उसको हम थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड कहते हैं। कि खाना खाने के बाद जब आपका जिस्म गर्म हो जाता है, जब आप हीटेड अप हो जाते हैं, तो वो आपकी एनर्जी एक्सपैंड हो रही होती है। अब TEF जो है वो अप्रॉक्सीमेटली आपकी 10% डोनेट करती है, मतलब आपकी जितनी भी टोटल एनर्जी है TEF है, उसमें से तकरीबन 10% जो आपको कंट्रीब्यूट कर रहा होता है वो थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड कर रहा होता है। इसका मतलब ये है कि आपकी बेसल मेटाबॉलिक रेट आपका तकरीबन कर रहा था 70-60%, ठीक है, कुछ लोगों में 80% कर रहा था। 10% आपका थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड कर रहा होता है, ठीक है, ये एनर्जी आपकी 10% एक्सपेंड होती है। द TEF इज ऑल्सो रेफर टू एज डाइट इंड्यूस्ड थर्मोजेनेसिस, DID, या स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन STA, या स्पेसिफिक इफेक्ट ऑफ फूड SEF, ठीक है। तो इन सब के जरिए से भी, तो ये सब के सब जो हैं डिफरेंट नाम हैं थर्मिक इफेक्ट के, ज़्यादातर इसको डाइट इंड्यूस्ड थर्मोजेनेसिस भी कहते हैं। तो अगर आप आगे कहीं भी पढ़ते हैं यही नाम डाइट इंड्यूस्ड थर्मोजेनेसिस या डायनेमिक एक्शन या स्पेसिफिक इफेक्ट ऑफ फूड, तो आपके जहन में फ़ौरन आ जाना चाहिए थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड की बात हो रही है। अच्छा, थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड के आप कह रहे हैं दो सब कंपोनेंट्स हैं, ऑब्लिगेटरी थर्मोजेनेसिस और अडेप्टिव या फैकल्टेटिव थर्मोजेनेसिस। ऑब्लिगेटरी थर्मोजेनेसिस वो एनर्जी है जो आप रिक्वायर होती है फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, एब्जॉर्ब करने के लिए,
न्यूट्रिएंट्स को मेटाबोलाइज करने के लिए, ताकि एनर्जी उनमें से एक्सक्लूड हो सके। उसके अलावा वो सारी एनर्जी जो प्रोटीन की स्टोरेज के लिए, प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए चाहिए होती है, फैट और कार्बोहाइड्रेट की स्टोरेज और सिंथेसिस के लिए चाहिए होती है, वो सब आपके ऑब्लिगेटरी थर्मोजेनेसिस हैं। जितने भी आपके मेटाबॉलिक रिएक्शंस होंगे, ठीक है, आपके एब्जॉर्प्शन प्रोसेसेस होंगे, ठीक है, तो इन सब प्रोसेसेस के दौरान में, इतने सारी इस तरह के सारे रिएक्शंस के दौरान में आपका एनर्जी ऐसा हीट भी एक्सपैंड हो रही होती है। तो जितनी भी एनर्जी आपकी एक्स्ट्रा एनर्जी ऐसा हीट एक्सपैंड हो रही होती है, उसको हम थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड में ही काउंट कर रहे होते हैं। अच्छा, इसके अलावा फिर आपके आते हैं अडैप्टिव और फैकल्टेटिव थर्मोजेनेसिस। इट इज़ द एक्सेस एनर्जी एक्सपैंडेड इन एडिशन टू द ऑब्लिगेटरी थर्मोजेनेसिस एंड इज थॉट टू बी एट्रीब्यूटेबल टू द मेटाबॉलिक इन एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम स्टिमुलेटेड बाय सिंपैथेटिक नर्वस एक्टिविटी। तो ये एक्सेस एनर्जी आपकी तब होती है जब आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपका वो सिस्टम है जो सारी की सारी आपकी नर्व्स, आपके हार्मोन्स ट्रिगर कर रहा होता है, ठीक है, आपके डाइजेस्टिव प्रोसेसेस को एक्टिवेट कर रहा होता है, ठीक है। तो ये वो जो सिस्टम है, अगर इसकी इनएफिशिएंसी हो जाए, ठीक है, या आपकी बॉडी में वैसे कुछ एक्स्ट्रा हो जाए, या आपका इन्वायरमेंट चेंज हो जाए, या आपकी बॉडी में कोई डिसऑर्डर हो जाए, कोई सिस्टम में मसला आ जाए, इनएफिशिएंसी हो जाए, ठीक है, कोई आपको डिसीज़ या डिसऑर्डर हो, ठीक है, तो उस सब में जो आपकी एक्स्ट्रा एनर्जी एक्सपैंड हो रही होती है, उसको हम अडैप्टिव या फैकल्टेटिव थर्मोजेनेसिस कहते हैं। ये थोड़ा सा आपका हीट से भी एसोसिएटेड है, थोड़े से आपके चेंज ऑफ एनवायरनमेंट से भी एसोसिएटेड है, और थोड़ा सा आपकी फिजिकल जो भी आपकी नॉर्मल बॉडी कंडीशन होती है, अगर वो थोड़ी सी चेंज हो तो तब भी थोड़ी बहुत जो हीट एक्सपेंड होती है वो आपकी थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड में ही आती है, TEF में, और ये तकरीबन आपकी 10% होती है। फैक्टर्स इफेक्टिंग थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड, जो कि आपके ये फैक्टर्स वो हैं जो डिफरेंसेस लाते हैं आपके थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड में, उनमें सबसे पहला फैक्टर आता है आपकी डाइट की कंपोजिशन। कंपोजिशन ऑफ डाइट जब कहा जाता है तो तब उसका मतलब ये होता है कि आपकी डाइट किस तरह की है, कार्बोहाइड्रेट्स उसमें ज़्यादा हैं या प्रोटीन ज़्यादा हैं या फैट ज़्यादा है, या कभी कभी कहते हैं लो फैट डाइट कहा जाता है, या लो सॉल्ट डाइट कहा जाता है, ठीक है, तो या हाई वेजिटेबल एंड हाई फ्रूट डाइट कहा जाता है, ठीक है, तो वैसे वो नॉर्मली, ये मैं आपको समझाने के लिए कह रही हूँ, नॉर्मली वो हाई फाइबर डाइट होती है, ठीक है। इस तरह की कोई भी डाइट होती है, कौन सा न्यूट्रिएंट ज़्यादा है, कौन सा कम है, किसकी कितनी कंसंट्रेशन है, उस सबको हम कंपोजिशन ऑफ डाइट कहते हैं। तो आपकी जो कंपोजिशन ऑफ डाइट है, इसका वेरियस इफेक्ट होता है कि कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट खा लेने से आपकी जो थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड है उसमें डिफरेंसेस आते हैं, ठीक है। जैसे फैट की जो मेटाबोलाइजेशन एफिशिएंसी है उसमें सिर्फ 4% आपकी एनर्जी वेस्ट होती है, ठीक है, इसका मतलब है फैट की एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है, मतलब अगर आप फूड में फैट लेते हैं तो उसकी कंपोजिशन इस तरह की है कि आपका जो फूड है वो बहुत ईजीली आपका डाइजेस्ट हो जाता है और एब्जॉर्ब हो जाता है और मेटाबोलाइज हो जाता है, मतलब उसके उसको बहुत ईजीली हमारी बॉडी के अंदर जो सिस्टम है वो बहुत एफिशिएंट है फैट की मेटाबोलाइजेशन के लिए। जैसे ही आपका फैट फूड में आता है तो उसको मेटाबोलाइज करने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं चाहिए होती, वो जैसा कि जैसा होता है उसको सिर्फ ब्रेक डाउन होती है और वो उसी तरीके से जाके आपका एब्जॉर्ब हो जाता है। लेकिन आपका जो कार्बोहाइड्रेट है उसके ऊपर काफ़ी एनर्जी लगती है, क्योंकि जितना आपका कार्बोहाइड्रेट होता है वो तो यूज़ हो जाता है, लेकिन जो एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट होता है उसको बॉडी को कन्वर्ट करना पड़ता है फैट में, और जब बॉडी उसको कन्वर्ट कर रही होती है फैट में, उसकी मेटाबोलाइजेशन होती है, अलग से प्रोसेस है, और उसके बाद वो फैट में कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट होता है और उसके बाद जाके एडिपोज टिश्यूज़ में जाके स्टोर होता है। तो एक लॉन्ग प्रोसेस है, इस पर तकरीबन 25% आपकी वेस्टेज होती है, आपकी 25% एनर्जी लग जाती है, ठीक है। तो आपके इसीलिए जो है आप फैटी फूड खाने से बहुत जल्दी मोटे होते हैं, क्योंकि फैटी फूड खाने के खाते वक्त आपकी मेटाबोलाइजेशन इतनी ज़्यादा नहीं होती है, तो क्या होता है कि वो बहुत इजीली आपका फॉरन स्टोर हो जाता है, उसके ऊपर इतनी एनर्जी भी नहीं लगती है। लेकिन कार्बोहाइड्रेट खा लेने से आपकी अच्छी खासी तो कार्बोहाइड्रेट एज एन एनर्जी की फॉर्म में ही आपकी डिज़ोल्व होती है,
तो आपकी जो है उसके ऊपर एनर्जी भी इसीलिए आपकी ज़्यादा लग रही होती है, तकरीबन आपकी 25% वेस्टेज होती है एनर्जी की, ठीक है। तो इसीलिए भी कहा जाता है कि आपको फैट अपनी डाइट में कम लेना चाहिए, क्योंकि उसका सिस्टम बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है। अच्छा, तो ये वो फैक्टर्स हैं जो ओबेसिटी को प्रमोट कर रहे होते हैं, ये फैट की करेक्टरिस्टिक्स हैं। इसके अलावा वुमेन हु फॉलो अ रेगुलर ईटिंग स्केड्यूल हैव अ हायर TEF रिस्पॉन्स देन वुमेन हु ईट इरेगुलरली। तो इसमें एक ये भी चीज़ है कि आपका नॉर्मल एक मेटाबॉलिज्म होगा, आपकी एक नॉर्मली, अगर आपकी नॉर्मल रूटीन होगी, मतलब आपकी एक स्पेसिफिक रूटीन है, आप सुबह उठते हैं, आप एक टाइम पे खाना खाते हैं, उसके बाद आप एक टाइम पे दोपहर का लंच करते हैं, फिर रात में एक टाइम पे खाना खाते हैं, चाय का आपका अलग से रूटीन है, तो जो भी ये आपके फैक्टर्स हैं, ये जो आपकी रूटीन है, इसकी बॉडी को आदत हो जाती है, तो बॉडी पहले से ही प्रिपेयर्ड होती है, बॉडी का एक बॉडी की फिर अपनी रूटीन चल रही होती है, ठीक है। बॉडी एक्सपेक्ट नहीं कर रही होती है रेगुलर टाइम पे खाना खाना, ठीक है। बॉडी को प्रॉपर पता होता है कि इस टाइम हमारे, इस टाइम में हमारे खाना मिल जाएगा, इस टाइम में वो डाइजेस्ट और अब्जॉर्ब कर लेती है न्यूट्रिएंट्स, इस टाइम में जो है वो अपने एक्स्ट्रा स्टोरेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स यूज़ करती है, ठीक है। फिर बॉडी का भी एक स्पेसिफिक टाइम बना होता है, आप वॉशरूम भी एक टाइम पे जाते हैं, ठीक है। आप जो हैं, ये अक्सर लोग जो होते हैं, जब भी डेफिकेट कर रहे होते हैं, एक्सक्रीमेंट वेस्ट वगैरह प्रोडक्ट्स एक्सक्रीट कर रहे होते हैं, तो वो उनका तकरीबन जो टाइमिंग होती है वो होती है सुबह के टाइम नाश्ता करने से पहले, या नाश्ता करने के बाद, या रात के टाइम, या कुछ लोगों की दिन में 2 बार ही होती है, ठीक है। तो जो भी आपका टाइम है वो आपका एक सेट हुआ हुआ होता है, क्योंकि आपकी बाकी खाना खाने का टाइम भी सेम होता है, तो उसमें आपकी जो थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड है इसलिए वो भी हाई होता है, क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म एफिशिएंटली हो रहा होता है। लेकिन आप इरेगुलर अगर आपका ईटिंग पैटर्न होता है तो बॉडी भी हाफ हेजिटली काम करती है। ये इसी तरीके से जैसे आपकी अगर आप फैक्ट्री में देखें, फैक्ट्री में एक एक प्रोसेस है जी, फॉर एग्जांपल अगर आलू के चिप्स बन रहे हैं, तो एक तरफ से आलू के चिप्स जो हैं कट रहे होते हैं, एक तरफ से धुल रहे होते हैं, एक तरफ से वो फ्राई हो रहे होते हैं, एक तरफ से वो ड्राई हो रहे होते हैं, ठीक है। एक प्रॉपर सिस्टम चल रहा होता है, लेकिन अगर बीच में कहीं ना कहीं मसला आ जाए, बार बार फैक्ट्री रुक जाए, फिर चले, फिर बीच में से आपका किसी टाइम पे कभी स्टोरेज आ रहा है, किसी टाइम पे आपका कहीं पॉइंट पे रुक जाता है, तो वो एक बड़ा हाफ एजर्ट और मेसी सा काम होता है, और उसको फिर संभालने के लिए भी बॉडी पे स्ट्रेस पड़ता है और फैक्ट्री पे भी स्ट्रेस पड़ता है, तो ये वही चीज़ है। अच्छा, इसके अलावा स्पाइसी फूड्स का काफ़ी ज़्यादा फैक्टर है। अगर आप बहुत ज़्यादा जब मिर्चों वाला खाना खाते हैं, अक्सर लोग होते हैं उनको सर से स्वेटिंग होना शुरू हो जाती है, या सर कहते हैं मेरे सर में चुन चुन हो रही है, मुझे मुझे सर तक अपनी हीट फील हो रही है, ठीक है। तो वो जो खाना आप खाते हैं और उसके बाद आप फुल शदीद गर्म हो जाते हैं, ठीक है, तो वो एक जो है आपका थर्मिक इफेक्ट जो है फूड का, वो उसको प्रोलॉन्ग कर रहे होते हैं। वो मील्स जिनके अंदर चिली होती है, मस्टर्ड होती है, या बाकी स्पाइसेस होती हैं जैसे सिनेमन वगैरह, वो आपका तकरीबन 33% मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज़ कर देती हैं एज़ कंपेरिजन टू दोज मील्स जो अनस्पाइसी होते हैं, और ये इफ़ेक्ट तकरीबन 3 घंटे तक आपका रहता है। तो खाने में मिर्चें वगैरह अच्छी होती हैं, हरी मिर्चें आपके लिए अच्छी हैं, इट्स गुड फॉर यू, लेकिन किसी भी चीज़ की आपके लिए ज़्यादती बुरी है। अगर आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना खाते हैं तो वो भी आपके लिए फिर नुकसानदेह है, लेकिन अगर आप नॉर्मल मिकदार में स्पाइसी खाना खा रहे हैं तो इट्स गुड फॉर यू। हरी मिर्चों के अंदर कैस्पियन एक इंग्रेडिएंट होता है, इट्स वेरी गुड फॉर यू। तो आगे चलते हैं, एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस को एटी से डोनेट किया जाता है, ये वो एनर्जी है जो आप स्पोर्ट्स में और फिटनेस वगैरह में एक्सपेंड करते हैं। जितनी भी आपकी एक्टिविटी हो रही होती है ना, जितना भी आप उठ रहे हैं, झुक रहे हैं, आप वेट उठा रहे हैं, आप रनिंग कर रहे हैं, ठीक है, आप जंप कर रहे हैं, ठीक है, आप योगा कर रहे हैं, ठीक है, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, ठीक है, जितनी भी आपकी इस तरह की एक्टिविटी लग रही होती है, इवन इसके अलावा भी आप घर के काम कर रहे हैं, आप सफाई कर रहे हैं, आप झाड़ू लगा रहे हैं, आप बर्तन धो रहे हैं, ठीक है, आपका एक्स्ट्रा काम लग रहा है, आप काउच पे नहीं बैठे हुए हैं, ठीक है, तो जितनी भी इस तरह की आपकी एक्टिविटी होती है वो सब की सब इंक्लूड हो जाती है एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस में, ठीक है। ये वाला जो आपका कंपोनेंट है ना, ये सबसे ज़्यादा वेरिएबल कंपोनेंट है, क्यों आपको खुद भी नहीं पता होता। कई कई दिन होते हैं आप एक्सरसाइज करते हैं, फिर हफ्ते में कुछ दिन आप छोड़ देते हैं, ठीक है, तो हर दिन के हिसाब से आपकी एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस डिफरेंट होगी। कई दिन आपके चोर्स घर के ज़्यादा होते हैं, आप जी कहते हैं संडे के दिन मैंने बहुत सफाई की, मैंने तेल भी लगाया, मैंने नहाई भी, मैंने खाना खाया, खाना पकाया, मैंने एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा काम किए, कबर्ड सेट की, नेक्स्ट हफ्ते की तैयारी की, ठीक है।
और बाकी दिन आपकी इतनी एक्टिविटी नहीं होती, तो आपके घर के चोर, आपकी वैसे फिजिकल एक्टिविटी, सब कुछ जो मिला के ये काफ़ी ज़्यादा वेरिएबल है। ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल भी वेरी कर रहा होता है, ठीक है, हर किसी की लाइफ स्टाइल के हिसाब से। और इसके अलावा एक इंडिविजुअल के डेली हिसाब से भी ये डिफर कर रहा होता है, ठीक है। अक्सर औकात है आपके इंडिविजुअल जो हैं, आपकी हर उस दिन के हिसाब से अगर रूटीन डिफरेंट है तो आपकी एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस भी डिफरेंट होगा। तो ये तकरीबन इतना लो हो सकता है जैसे कि 100 किलो कैलोरीज पर डे सिर्फ आपकी एक्टिविटी पे, सिर्फ 100 किलो कैलोरीज पर डे, 100 किलो कैलोरीज पर डे एक्टिविटी पे अगर आप एक्सपेंड करें तो इट्स वेरी लो, और ये सिडेंट्री पीपल का होता है। और इसके अलावा एज हाई एज 3000 किलो कैलोरीज पर डे इन वेरी एक्टिव पीपल, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा एक्टिव हों उनके 3000 किलो कैलोरीज पर डे। और इसके अलावा फिर वो लोग जो स्पोर्ट्स कर रहे होते हैं और जो इंड्योरेंस स्पोर्ट्स कर रहे होते हैं उनका इससे भी ज़्यादा हाई होता है, ठीक है। अब इसमें एक और भी आपका फैक्टर आता है, नीट। नीट को कहते हैं नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। तो जो नीट है ये वो एनर्जी एक्सपेंड हुई, वो एनर्जी जो कि डेली लिविंग में एक्सपेंड होती है, ठीक है, जो एक्सरसाइज से रिलेटेड नहीं है लेकिन आप चोर्स वगैरह कर रहे हैं। दिस इज़ द एनर्जी एक्सपेंडेड ड्यूरिंग एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग, सच एज एनर्जी एक्सपेंडेड ड्यूरिंग द वर्क डे एंड दैट एक्सपेंडेड ड्यूरिंग लेयर टाइप एक्टिविटीज़, एग्जाम्पल शॉपिंग, फिजिटिंग, गम च्यूइंग, विच मे अकाउंट फॉर वेरियस डिफरेंसेज इन एनर्जी कॉस्ट अमंग पीपल। तो जो आपकी जो नॉर्मल आपकी जो एक्टिविटीज़ होती हैं, उठना बैठना, वॉशरूम जाना, सोना, लेटना, जगह बदलना, ठीक है, करवट बदलना, ये सब उसी में ही आता है। फिर कौन से वो फैक्टर्स हैं जो एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस को इफेक्ट कर रहे होते हैं? तो इसमें आपके आ जाते हैं आपका बॉडी साइज़, ठीक है, आपकी बॉडी साइज़ कितनी है, आपकी हैबिचुअल आपका मोशन किस तरह का है, ठीक है, हर किसी उठने बैठने का, चलने फिरने का, ठीक है, उस पे डिपेंड करता है, ठीक है। कुछ लोग तेज़ चलते हैं, कुछ लोग स्लो चलते हैं, कुछ लोग स्लोली काम कर रहे होते हैं, कुछ लोग बहुत स्पीड से काम कर रहे होते हैं, तो ये सब भी आता है। फिर उसके अलावा आपकी लेवल ऑफ़ फिटनेस आती है, ठीक है, लेवल ऑफ़ फिटनेस में आपका आ जाता है कि आप कितने ज़्यादा फिट हैं, आप कितने ज़्यादा एक्टिव हैं, इसके अलावा आपका कितना ज़्यादा मसल मास है, ठीक है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा लीन होते हैं, कुछ लोगों का मसल मास बहुत ज़्यादा होता है, कुछ का फैट मास ज़्यादा होता है, तो आपका मसल मास कितना ज़्यादा है, आप कितने ज़्यादा फिट हैं, इस पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि जिन लोगों का मसल मास ज़्यादा होता है उनका एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस ज़्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि आपकी ज़्यादा एनर्जी आपके वो मसल्स की मूवमेंट में लग रही होती है। फिर उसके अलावा एज पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट आता है। एज के सामने ये है कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है वैसे वैसे आपका जो एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस है वो डिक्रीज़ हो जाता है। क्यों? क्योंकि एज के बढ़ने के साथ फैट फ्री मास जो है वो आपका डिक्रीज़ हो रहा होता है। इसका मतलब है जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है वैसे वैसे मसल आपका डिग्रेड होता है, मसल कम होना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे आपका मसल कम होगा वैसे वैसे आपकी एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस भी कम होगी। फिर जेंडर आ जाता है। ज़्यादातर मेन में स्केलेटल मसल ज़्यादा होता है, तो क्योंकि मेन में स्केलेटल मसल ज़्यादा होता है इसलिए उनका एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस भी ज़्यादा होता है। ये आपका इसी से भी एसोसिएटेड है, जैसे कहते हैं कि खाना मर्द भी बहुत अच्छे पकाते हैं। क्यों अच्छा पकाते हैं? क्योंकि उनके अंदर एनर्जी होती है, उनके मसल्स के अंदर एनर्जी होती है। रेस्टोरेंट्स में जितने भी मर्द खाना पका रहे होते हैं वो बहुत एफिशिएंटली इतनी इतनी रोटियां पका रहे होते हैं, इतने इतने बड़े बड़े देगचों में चम्मच हिला रहे होते हैं, जो कि एक पतली नाजुक औरत नहीं कर पाएगी, ठीक है। खाना बहुत अच्छा बनाएगी लेकिन इतने बड़े लेवल पर नहीं पका सकेगी। ऑल दो डिपेंड्स, ज़रूरी नहीं है कि हर औरत नहीं कर सकती, लेकिन कुछ औरतें नहीं कर पाएंगी, ठीक है। तो वो ये चीज़ इसलिए क्योंकि उनका स्केलेटल मसल ज़्यादा है, उनकी वर्क एफिशिएंसी फिर इंक्रीज़ हो जाती है, इसीलिए वो अच्छे तरीके से खाना पका पाते हैं, क्योंकि उनको ये चीज़ इसलिए दी हुई है बिकॉज़ दे हैव टू गो आउट एंड वर्क, तो उनका नेचुरल जो एक डिपोजिशन है वो इस तरह की है। फिर उसके बाद इसमें एक और चीज़ आती है, एक्सेस पोस्ट एक्सरसाइज ऑक्सीजन कंजम्पशन EPOC अफेक्ट्स एनर्जी एक्सपेंडिचर। तो एक्सेस पोस्ट एक्सरसाइज ऑक्सीजन कंजम्पशन जो है वो ये है कि अक्सर औकात आपके, इसको EPOC भी कहते हैं, अक्सर औकात आपकी जब एक्सरसाइज हो जाती है, ठीक है, तो फिर भी आपका जो मेटाबॉलिक रेट है वो इंक्रीज़ ही रहता है। अब क्या होता है कि आपने एक्सरसाइज कर ली, आप बैठ गए हैं, ठीक है, लेकिन आपकी फिर भी ऑक्सीजन कंजम्पशन ज़्यादा है, आपका सांस ज़्यादा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अब मसल्स के अंदर जो है ऑक्सीजन डिप्लीट हो चुकी हुई है एक्सरसाइज करने की वजह से, अब उनको वो ऑक्सीजन डिपो अपने अंदर स्टोर करनी है। फिर मसल्स क्या करते हैं, मसल को अंदाज़ा हो जाता है कि इतनी एक्सरसाइज अगर हुई है ना, अब कल भी इतनी एक्सरसाइज होगी, तो वो क्या करते हैं, वो अपने अंदर
ऑक्सीजन ज़्यादा स्टोर करने की कैपेसिटी बनाते हैं, वो अपने अंदर ग्लाइकोजन को ज़्यादा स्टोर करने की कैपेसिटी बनाते हैं। ठीक है, मैंने बताया ना आपका ग्लाइकोजन लिवर और मसल में स्टोर होता है। ठीक है, तो और जब एनर्जी चाहिए होती है तब ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन होती है ग्लूकोज में, तो जो आपके मसल्स में ग्लाइकोजन स्टोर हो रहा होता है वो फिर आपकी बॉडी ज़्यादा स्टोर करती है। फिर उसके बाद आपकी बॉडी जितने भी आपके मसल्स में टेयर आए होते हैं एक्सरसाइज के दौरान में, ठीक है, फिर आपकी बॉडी उसको जो है रिपेयर कर रही होती है। तो एक्टिविटी करने के बाद भी आपका EPOC ज़्यादा ही रहता है, आपकी इंक्रीज ऑक्सीजन कंजम्पशन ज़्यादा होती है, आपका मेटाबॉलिक रेट हाई होता है। वो सब इसलिए होता है क्योंकि वो एक्सरसाइज का इफेक्ट था। तो एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस में EPOC भी आप काउंट करते हैं। अच्छा, हैबिचुअल एक्सरसाइज डज नॉट कॉज अ सिग्निफिकेंटली प्रोलॉन्ग्ड इंक्रीज इन मेटाबॉलिक रेट पर यूनिट ऑफ एक्टिव टिश्यू, बट इट डज कॉज एन 87 to 14% हाई मेटाबॉलिक रेट इन मेन हु आर मॉडरेटली एंड हाईली एक्टिव रिस्पेक्टिवली बिकॉज ऑफ देयर इंक्रीज फैट फ्री मैस। दीज डिफरेंसेज सीम टू बी रिलेटेड टू द पर्सन नॉट टू द एक्टिविटी। ये मैं आपको इस चीज़ से समझा देती हूँ। जैसे आप ना अगर पहले दिन अगर आप पुशअप्स करें, ठीक है, या डेंट निकालें, ठीक है, तो वो आप पहले दिन आप 3 करेंगे आपको बहुत मुश्किल लगेंगे, अगले दिन करेंगे आपको मुश्किल लगेंगे लेकिन आपके लिए बेरेबल होंगे, उसे अगले दिन करेंगे आपको लगेगा कि सही है, फिर 2-3-4 दिन तक करते रहेंगे तो उसके बाद आपको लगेगा तो रूटीन की बात है, मेरा तो पसीना भी नहीं छूटा। ठीक है, तो क्या होता है आपकी बॉडी को आदत हो चुकी होती है, आपकी बॉडी के अंदर उतना एक्सेस जो है उस एक्टिविटी को बर्दाश्त करने की कैपेबिलिटी होती है, तो बॉडी पे ज़्यादा चैलेंज नहीं पड़ता, तो आपकी नॉर्मल हो जाती है, उसके बाद आपकी EPOC कम हो जाती है। लेकिन अगर आप रोज़ाना अपनी एक्सरसाइज थोड़ी थोड़ी करके इंक्रीज़ करते रहें तो आपकी EPOC भी हमेशा बढ़ी रहेगी, तो इस तरीके से आपका एक्टिविटी थर्मोजेनेस इंक्रीज रहेगा। तो ये वैसे इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल फ़र्क करता है, ये बहुत माइनर डिफरेंस है, ये सिर्फ आपको ये चीज़ समझाने के लिए। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर योर कंसंट्रेशन, अल्लाह हाफ़िज़।